इससे पहले अभी हमने वन ऑर्डर सिस्टम को देखा था कि किस तरह हम वो डिटरमिन करेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए द अदर वन इज रिपीटेटिव ऑर्डर क्वांटिटी जो कि एक जो मैंने पहले बताया था कि परपेचुअल डिमांड है उसके अंदर हमने रिपीटेडली ऑर्डर प्लेस करने हमारी इन्वेंट्री कंज्यूम होती है हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाती है फिर उससे डिमांड मीट करते हैं और इन्वेंट्री uh, कंज्यूम होती है अगेन वी प्लेस ऑर्डर एंड सो ऑन सो फोर्थ इस केस के अंदर लेट्स लुक एट दिस ग्राफ। इसके अंदर वर्टिकल एक्सिस के अंदर इज ऑन हैंड इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है हॉरिजोंटल एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को प्लॉट करना है लेट्स लुक एट दिस लाइन ये बेसिकली कन्वे कर रहा है कि इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है हमारी इन्वेंट्री इस लेवल पर थी ओवर द पीरियड इट इज बींग कंज्यूम एंड जैसे ही हमारी जीरो होती है तो हम ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं एंड दिस इज बेसिकली हमारी ऑर्डर क्वांटिटी जो के इट इज क्यू सो दैट इज द ऑर्डर क्वांटिटी क्यूंकि हमें डिमांड का एक्चुअली पता है लट से और कॉन्स्टेंट है ये डिमांड कंज्यूम कॉन्स्टेंटली हो रही है तो जो कि एक्चुअली होता नहीं है बट वी आर रिज्यूमिंग दैट इन रियल लाइफ कभी भी जो डिमांड है वो एग्जैक्टली exactly नोन नहीं होती और जो इन्वेंट्री है वो कॉन्स्टेंटली लीनियरली डिप्लीट नहीं होती उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है बट वी आर रिज्यूमिंग के टू सिम्प्लीफाई द मॉडल वी आर रेज्यूमिंग के ये कांस्टेंट uh, उसकी कंजम्पशन हो रही है इन्वेंट्री की और जैसे ही ये इन्वेंट्री जीरो पे पहुंचती है तो हम ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं क्यू के बराबर और वो हमारी इन्वेंट्री क्यू से बिल्डअप हो जाती है देन अगेन इट स्टार्ट कंज्यूमिंग और जो पॉइंट है बिटवीन द पॉइंट वेयर इन्वेंट्री इनिशियली बिकेम जीरो और हमने ऑर्डर रिसीव किया एंड द पॉइंट वेयर दिस करंट इन्वेंट्री बिकम जीरो दैट इज कॉल्ड वन कम्पलीट साइकिल और इस साइकिल के अंदर ये जो इन्वेंट्री है ये परपैचुअली मूव करेगी कंज्यूम होगी बिल्ट होगी और ये बार बार इसी हिसाब से हमने चलना है फॉर एग्जाम्पल अगेन जो है जैसे ही जीरो हुई तो अगेन वी रिसीव द्यू क्वांटिटीज और ये फिर से इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई इसके अंदर व्हाट वी लुक एट इज के इन्वेंट्री डिप्लिशन रेट ये है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी बेसिकली एवरेज साइकिल इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर इट इज क्यू डिवाइडेड बाय टू वाई क्यू डिवाइडेड बाय टू बिकॉज आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा के जो एवरेज इन्वेंट्री है दैट इज बेसिकली द बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री divided by 2 in this case the beginning inventory is this which is basically q ending inventory at the end of the cycle is basically zero so at the start of the cycle the inventory was q at the end of the cycle the inventory is zero so average inventory in this case will be q plus 0 डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज Q डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री क्योंकि हम इस रिपिटेटिव जो इन्वेंटरी सिस्टम है इसके अंदर हम थ्रू आउट द ईयर इसको मेंटेन करेंगे बट विद द दम्पशन के द डिमांड इज नोन एंड कांस्टेंट, लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट हम जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे हमें पता है एग्जैक्टली exactly कब ये हम रिसीव uh, करेंगे ऑर्डर तो उस बेसिस के ऊपर हम ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उस टाइम पर के जब हमें एग्जेक्टली exactly पता होगा कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो जीरो होगी तो उस वक्त हमारा ऑर्डर पहुंच जाएगा और इन्वेंट्री है वो फिर Q पर पहुंच जाएगी फुल इन्वेंट्री हो जाएगी और देन अगेन दिस साइकिल विल स्टार्ट और ये कंज्यूम होते हुए जीरो पे पहुंचेगी एंड Uh, this will keep on repeating. So, in that case, the average inventory will be Q divided by 2.